तो लोगों के काफ़ी दिन से बहुत सारे डाउट थे कि भाई क्या हम जियो भारत फ़ोन में या जियो ने जो रिसेंटली अभी लॉन्च किया है जियो भारत V2 में हम कोई किसी अदर ऑपरेटर का सिम यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इसी बारे में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, टू द पॉइंट बताऊँगा आपको सारी चीज़ें। तो आज की वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, क्योंकि मैं आपको बताऊँगा कि इसमें किसी और ऑपरेटर का सिम यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो मैंने आपको इसमें बता के रखा है कि आप इसमें जियो का सिम चला सकते हैं, वो चाहे पुराना हो या फिर नया हो, सारे तरीके के जियो के सिम चलेंगे। लेकिन आज की वीडियो में मेरे पास है ये देखिए वोडाफोन का सिम, और ये वोडाफोन का सिम मैं आज इसमें लगाने वाला हूँ और आप सभी को दिखाऊँगा कि क्या इसमें जो है वोडाफोन का सिम चला सकते हैं नहीं चला सकते हैं। ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोज़ बना के रखी हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि क्या आप उसमें एयरटेल का सिम चला सकते हैं नहीं चला सकते हैं, BSNL का सिम चला सकते हैं नहीं चला सकते हैं। उसी सीरीज़ में मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैंने आपको दिखाया कि आप वोडाफोन का सिम इसमें चला सकते हैं नहीं चला सकते हैं। तो इससे पहले भी मैंने कभी इसमें वोडाफोन का सिम नहीं डाला है, वोडाफोन का सिम मैं इसमें पहली बार डाल रहा हूँ। आपको दिखाता हूँ कि वोडाफोन का सिम इसमें चलेगा या नहीं चलेगा। तो देखिए मैंने अभी तुरंत से इसमें बैटरी डाली है और अभी इसका पावर बटन ऑन किया है और यहाँ पर जियो भारत लिख के आ गया है और अच्छी सी आवाज़ अभी इसमें देखने को मिलेगी। एक वेलकम साउंड बजता है, वेलकम साउंड बजने के बाद लिख के आता है भाई प्लीज़ इंसर्ट अ वैलिड सिम, मतलब जो भी आपने सिम एंटर की है वो वैलिड नहीं है। तो अब भाई इसका क्या करें, कैसे हम इसमें वोडाफोन की सिम चलाएं? तो यहाँ पे देखिए आपको लिख के आ रहा होगा इनकरेक्ट सिम, मतलब जो भी इसमें सिम लगी है या तो वो सिम ख़राब है या फिर किसी दूसरे ऑपरेटर की है। तो अगर हम बात करें कि क्या इसको हम लॉक तोड़ सकते हैं या फिर इसमें कुछ कारस्तानी कर सकते हैं जिससे दूसरा सिम हम इसमें डाल के चला सकें किसी और ऑपरेटर का, तो भाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता होगा जियो फ़ोन पहले आते थे तो भी लॉक्ड होते थे और ये भी जो फ़ोन आया है भी बिल्कुल लॉक्ड है, मतलब इस जियो भारत के फ़ोन में सिर्फ जियो की सिम ही चलेगी। जियो की सिम नई हो पुरानी हो कैसी भी हो वो चलेगी, इसमें किसी अदर ऑपरेटर का सिम नहीं चलेगा, ये 100 की सीधी बात है। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और क्या आप लोग भी चाहते हैं कि कुछ ऐसी वीडियो लेके आऊँ, कुछ ऐसी कारस्तानी लेके आऊँ जिससे हम इस जियो भारत फ़ोन में किसी अदर ऑपरेटर का सिम चला सकें? तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।